Words, letting in inspiring thoughts, tend to make a mind peaceful. Now I humbly request our today's chief guest, Sir Dr. Javed Iqbal, to come and address the students. Sir, please, in your round of applause. Young lady Anita, they have conducted this whole program so nicely and so well. I would also like to appreciate the speakers, that young girl who is a proud daughter of Shaheed. She spoke from her heart, and that young boy, he actually talked very nicely, and all the students who performed over here. Last but not least, I'm very grateful to Honorable Madam and Sir for having me here amongst you. For throughout my life, we have been using English as a medium of instruction. When I was a student in Islamabad, and then I did my fellowship from UK and also possess fellowship from America as well. And I have some experience of teaching in Australia as well. But at the age of 61, I realized that although we must learn all languages, nowadays we must learn Chinese, we must learn German, we must be very fluent in English. But we must not forget that the best language for communication and the best language to express ourselves is our own mother tongue. And we should not... इसलिए अगर आप मुझे इजाजत दें, तो हालांकि मुझे लग रहा है कि आपका formal यहाँ प्लान इंग्लिश लैंग्वेज है, लेकिन मैं आपको साइंटिफिक एविडेंस के साथ ये बात बताना चाहता हूं कि दुनिया में हर जगह पर अपनी मादरी जबान को फखर के साथ बोलना और उसके जरिए अपनी एजुकेशन को लेके जाना, ये सक्सेस की की है। अगर आप जापान में जाएंगे तो उनकी हर चीज जापानीज में होगी, सवाय कुछ इंग्लिश स्पीकिंग मुल्कों के जैसे बर्तानिया है और आयरलैंड है। यूरोप में आपको बहुत मुश्किल होगा कि अंग्रेजी में किसी को कोई बात समझाने वाला मिले, और दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी रिसर्च वहीं हुई है। और तो और, जो हमारे करीब अफगानिस्तान का मुल्क है, वहां एमबीबीएस भी फारसी में होता है, ईरान के अंदर एमबीबीएस फारसी में होता है। तो इसलिए जहां हमें सारी जबानें सीखनी चाहिए, वहां एक बात मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं कि अपनी जबान बोलने में फख्र महसूस करना चाहिए, और हमारी जबान के अंदर इतनी वुसअत है कि इसमें हम अपना माफी जमीर बयान कर सकते हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया में काम करता था, तो वहां पता चला कि एक साहब हैं जो कि मुल्तान के रहने वाले हैं, तो लेकिन वो वहीं पैदा हुए थे, उनके बच्चे भी वहीं पैदा हुए थे, लेकिन मेरे साथ उनको थोड़ी सी उनसियत हो गई, और मैं वहां काम सर्जरी में होता था, तो वो अपने एक बच्चे को लेके आए जो कि वहीं पैदा हुआ था और वो अंग्रेजी बोलता था। तो इसी तरीके से उसी ऑस्ट्रेलियन एक्शन में मैं हेलो माइट ऐसे करके बात करता था, लेकिन जब उसको टीका लगने लगा तो अचानक उसके मुंह से एक आवाज निकली, वो आवाज ये थी, धाड़ वो राइट। इसलिए कि वो जो ओरिजिनल हार्ट की फीलिंग थी ना, वो वहां पैदा हुआ था, मगर दर्द में उसने धाड़ वो कहा। आई डोंट नो, आप में से जो सराइकी समझते हैं वो इस बात को, धाड़ वो को किसी अंग्रेजी एक्सेंट में किसी चीज में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। यौम आजादी के मौके पर जहां हम बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, मेरा यह फर्ज है कि आपके चमकती हुई आंखों को देखते हुए और आपकी कुशादा पेशानियों को देखते हुए और आपके चेहरे पर मुस्तकबिल की का खूबसूरत चांद उभरता हुआ देखते हुए, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपके साथ कुछ बहुत संजीदा बातें करूं। और जैसे मैडम ने यह कहा कि ये फ्यूचर लीडर्स हैं, यानी पाकिस्तान का मुस्तकबिल हमारे सामने बैठा हुआ है, तो कुछ बातें हमें बहुत सच, बहुत जरूरी बताने की हैं। और मैं आपसे यह गुजारिश करूंगा कि आप बहुत संजीदगी से ये मेरी बातों को सुनिएगा और देखिएगा कि इसमें हमारे लिए क्या टेक होम मैसेज है। मैं 1961 में पैदा हुआ था, पाकिस्तान बनने के 14 साल बाद, लिहाजा जब मैंने जरा होश संभाला
तो उस वक्त मुझे 1965 की जंग याद है जब मैं 4 साल का था और वो तमाम लोग जो मेरे इर्द गिर्द बुजुर्गों की शक्ल में मौजूद थे बल्कि यंग लोगों की शक्ल में मौजूद थे वो मेरे वालदैन उन्होंने पाकिस्तान बनता हुआ खुद देखा था और वो खुद मेरे वालदैन माइग्रेट होकर आए थे ईस्ट पंजाब से तो वो तमाम कहानियां उनको बिल्कुल याद थी 14 साल ज्यादा वक्त नहीं होता तो वो तमाम कहानियां मैंने फर्स्ट हैंड अपने कानों से सुनी है। जिस इलाके में मेरे दादा जान रहा करते थे वो इलाका पाकिस्तान में शामिल होना था और मेरे वालिद साहब ये बताते थे कि वहां के सिख और वहां के हिंदू हमारे घर आए और आके उन्होंने कहा कि अब जब पाकिस्तान बन जाएगा तो हम इतने सालों से इकट्ठे रह रहे हैं हम आपसे ये तवक्को रखेंगे कि हमारे साथ अच्छा सलूक किया जाए। तो मेरे वालिद साहब बताते हैं कि दादा जान और कुछ और लोगों ने कहा कि बिल्कुल फिक्र ना करें आपकी बेटियां आपकी बहनें हमारी बेटियां और बहनें हैं और आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा हम पहले लेकिन आपके शायद इल्म में हो कि जो रेड क्लफ ने जो अवार्ड किया और जो लाइन बनाई वो एक्चुअली बददियानती पर की उसकी बुनियाद थी ताकि किसी तरीके से कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान का एक्सेस दे दिया जाए। ऐसी सूरत में कुछ पंजाब के इलाके जिनको एक्चुअली पाकिस्तान में होना चाहिए था वो हिंदुस्तान में चले गए और बिल्कुल अचानक ये पता चला कि वो गांव जिसमें कि मेरे वालदैन और दादा रहा करते थे वो तो हिंदुस्तान का हिस्सा है तो वो तमाम लोग जो पहले ये कहने के लिए आए थे कि आप मेहरबानी करके हमारी हिफाजत कीजिएगा वो खुद बर्छियां और छुरे लेकर कत्लेआम के लिए आ गए। मेरे वालिद साहब कहते हैं कि उनकी सकी फूफी उनकी आंखों के सामने शहीद हुई और वो डर के भाग गए और एक जिसको पंजाबी में कहते हैं तूड़ी वाला अंदर जिस जगह के ऊपर भूसा रखा होता है उसके अंदर छुप कर उन्होंने अपनी जान बचाई और जिस हालत में वो पाकिस्तान यहां आए वो तमाम कहानियां मैंने सारी सुनी है। लेकिन ये सारी की सारी कुर्बानी बहुत वर्थ थी ये बहुत जरूरी थी इसलिए कि इस कुर्बानी के पीछे एक नजरिया था और वो नजरिया ये था कि पूरी दुनिया में कौम अभी भी अगर आपके पास मोबाइल हो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से कौम की तारीफ देखें कि नेशन की तारीफ क्या है तो नेशन की तारीफ यह है कि ऐसे लोग जो एक जबान बोलते हो जिनका रहन सहन एक जैसा हो और जो जोग्राफियाई तौर पर एक दूसरे के साथ जुड़े हों वो एक कौम होती है। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने तारीख के अंदर एक नई चीज ऐड की और उन्होंने कहा कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की वजह से हमारे नजदीक कौम की यह डेफिनेशन नहीं है। कौम की डेफिनेशन यह है कि हर वो शख्स जिसका रंग काला है या गोरा है वो सराइकी बोलता है या सिंधी बोलता है या पश्तो बोलता है या कोई भी जबान बोलता है वो कहीं भी रहता है अगर वो कलमा पढ़ता है तो वो एक कौम है और चूंकि मुसलमान एक कौम है लिहाजा उनको जोग्राफियाई तौर पर एक अलग खित्ता चाहिए जहां वो अपनी मर्जी से अपने दीन के मुताबिक अपने नबी की बताई हुई शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजार सकें। इस नजरिए की बुनियाद पर पाकिस्तान हमें मिला ये इतना बड़ा दावा था और ये इतनी बड़ी एक फिलॉसफी थी कि अगर हम इसको साबित करने में कामयाब हो गए तो पूरी दुनिया का नक्शा तब्दील हो सकता है। लेकिन बदकिस्मती बेटा मेरी बात तवज्जो से सुनिएगा लेकिन बदकिस्मती से हमारे पॉलिटिकल हालात और हमारे जाती माशरती हालात इस तरह के हुए कि हम वो एफर्ट नहीं कर सके जिससे इस नजरिए को साबित कर सके जिसका नतीजा ये निकला कि कुछ ही अरसे के बाद इसी नजरिए की बुनियाद पर पाकिस्तान बनाने वाले लोगों ने यह कहा कि चूंकि हम बंगला जबान बोलते हैं और आप जो है उर्दू और दूसरी जबानें बोलते हैं आपके यहां वसाइल की तकसीम और तरह से है हमारे यहां वसाइल की तकसीम और तरह से है लिहाजा हमने आपके साथ नहीं रहना। और मुझे वो वक्त याद है मैं 6वीं जमात में पढ़ता था जब मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान से जुदा हुआ मैं आपको यकीन दिलाता हूं हमारे घर में तकरीबन एक हफ्ता खाना नहीं बना मेरी वालदा की रो रो के गिगी बन गई थी मरहुमा की मेरे वालिद साहब बहुत उदास थे मसल्ले में बैठ के रोते रहते थे मैं छोटा सा बच्चा था
छठी जमात में पढ़ता था और मैं उस दुख को अभी भी अपने सीने में महसूस कर सकता हूं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी शख्स का बाजू काट दिया जाए तो उसको कितनी तकलीफ हो। बिल्कुल यही तकलीफ और इस अजियत से हम गुजरे थे जब मशरकी पाकिस्तान हमसे जुदा हुआ था। मैं ये सारी बातें इस मौके पर हम सब तवक्को रखते हैं कि हम अच्छी अच्छी बातें करें और हम पाकिस्तान की, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में बहुत जबरदस्त बातें हुई हैं जिनका मैं इजहार करूंगा, लेकिन इस वक्त मैं एक डॉक्टर हूं और डॉक्टर के जुम्मे ये है कि वो सिम्टम्स का एनालिसिस करके बीमारी के बारे में बताए ताकि उसका इलाज किया जा सके। और ये आप लोगों के हाथ में पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, लिहाजा इसी एज में आपको बहुत संजीदगी से यह देखना पड़ेगा कि आपसे बड़ी नस्ल यानी मेरी नस्ल और मुझसे मुत्तसिल नस्ल, उनसे क्या गलतियां हुई हैं। और मैं आप सबके सामने सबसे पहले अपनी नस्ल की तरफ से और मुझसे जो मुत्तसिल नस्ल थी उनके बिहाफ पर हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूं। मैं ये बात किसी सेरेमनियल वे में नहीं कह रहा, मैं रस्मन नहीं कह रहा, मैं अपनी दिल की गहराइयों से आप तमाम से अपने बिहाफ पर और वो नस्ल जो कि मुझसे मुत्तसिल और मुझसे पहली नस्ल थी, मैं उनके बिहाफ पर आपसे माफी मांगता हूं, क्योंकि हम सबसे दो बुनियादी गलतियां हुई हैं। और आपको मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि वो गलतियां कहीं आप ना करना। पहली गलती हमसे ये हुई है कि हमने अपना वैल्यू सिस्टम टोटली चेंज कर दिया। जब मैं बच्चा था मेरे वालिद साहब के दफ्तर में एक साहब थे जिनकी पैंट पर हमेशा पेवंद लगा हुआ होता था, वो साइकिल पर आते थे और तकरीबन हर रोज ही चपरासी उनके साइकिल को पंक्चर लगवाने जाता था क्योंकि उनका साइकिल बड़ा पुराना था। लेकिन जब वो आते थे तो सब लोगों की आंखों में उनके लिए इज्जत होती थी क्योंकि उनके बारे में मशहूर था कि उनके मुंह में हराम का कभी एक लुकमा नहीं गया। वो सिर्फ दोनों ईदों में अपने बच्चों को कपड़े बनवा के देते थे, इसके अलावा कपड़े नहीं होते थे, और वही पेवंद लगी पैंट पहनते थे, लेकिन पूरे मुआशरे में उनकी इज्जत थी। ये मयार था मुआशरे में वैल्यू सिस्टम का। हर वो चीज जिसको पैसे से खरीदा नहीं जा सकता, इंसान उसकी बुनियाद पर बड़ा होता था। मुझसे मुत्तसिल नस्ल से सबसे बड़ी बुनियादी गलती ये हुई कि हमने पिछले 30-40 सालों में अपना वैल्यू सिस्टम चेंज कर दिया। हमने आपको, आपके बड़े बहन भाइयों को, आपके चचा तायों को हमने ये बताया कि इसकी बुनियाद पर इंसान बड़ा नहीं होता, जिसके पास पैसा ज्यादा है वो बड़ा होता है। ये वैल्यू सिस्टम अपसाइड डाउन हुआ है पिछले 30-40 साल में, जिसकी बुनियाद पर कौन सा आदमी है जो बड़ा नहीं होना चाहता, हर शख्स बड़ा होना चाहता है। अगर ईमानदारी की बुनियाद पर इंसान बड़ा हो, बड़ा माशरे में माना जाएगा, तो हर शख्स ईमानदार होना पसंद करेगा। अगर सच्चाई की बुनियाद पर इंसान को बड़ा समझा जाएगा माशरे में, तो हर शख्स सच्चा होना पसंद करेगा। अगर इस बुनियाद पर कि जब मैं अल्लाह के सामने पेश हूंगा तो मैं कैसे तोला जाऊंगा, अगर इस बुनियाद पर लोग बड़े होंगे तो सारी दुनिया उसके लिए मेहनत करेगी। और मैंने अपनी आंखों से वो लोग देखे हैं कि जिनके पास वसाइल होने के बावजूद, अपॉर्चुनिटीज होने के बावजूद, उन्होंने इस मयार के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारी और अभी भी लोग उनका नाम लेते हैं। लेकिन मुझसे और मेरी मुत्तसिल नस्ल से ये बुनियादी गलती हुई कि हमने मुआशरे में बड़ा उसको करार दे दिया जिसके पास पैसा बड़ा है। इसलिए आपके पास किस तरीके से पैसा आया है इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो आप बड़े हैं, अगर आप बहुत बड़ी काली गाड़ी से उतरे हैं आप काबिले इज्जत हैं, अगर आपके पास ब्रांडेड गाड़ी है आप काबिले इज्जत हैं, अगर आपका बहुत बड़ा घर है आप काबिले इज्जत हैं। इस बात से कतई नजर कि वो पैसा आपके पास किस तरह से आया है। मेरे प्यारे बेटो और बेटियों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, ये गलती हमारी नस्ल ने की है। मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं अपनी उम्र के इसी हिस्से में जिसमें आपके जज्बे जवान हैं, जिसमें आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है, जिसमें अभी आपके अंदर पैसे की तमा, पैसे की लालच नहीं आई, आप हायर पर्पस ऑफ लाइफ को सोच सकते हैं, कंसीव कर सकते हैं, अपनी हैबिट पैटर्न को उसके मुताबिक डेवलप कर सकते हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अभी से अपने दिल में यह बात डालिए कि पैसा बहुत जरूरी है, पैसे के होने से खैर के असबाब बढ़ जाते हैं, लेकिन प्लीज आप याद रखिएगा पैसे को कदर की तौर पर, एक मेजर वैल्यू के तौर पर अपनी जिंदगी में कभी शामिल मत कीजिएगा। अपनी जिंदगी के अंदर वैल्यूज वो हैं
जिनको पैसे से ना कोई खरीद सकता है ना बेच सकता है, और जिसको ना कोई आपसे छीन सकता है और ना आपसे चुरा सकता है। ये पहला मैसेज है जो मैं आपको देना चाहता हूं। मैं कतई ये नहीं कहता कि आप पैसा ना कमाएं, अल्लाह ताला आपको हक हलाल का पैसा दे, आप बिलियनर हो जाएं, आप बहुत बिलियनर हो जाएं। देखिए आपके पास 3 लाख रुपया है और 3 लाख रुपए का एक जूता मिलता है जो स्नेक स्किन का बना हुआ इटली का जूता है, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वो स्नेक स्किन का 3 लाख रुपए का जूता ले लें, लेकिन मेहरबानी करके उस जूते को टोपी ना समझे, ये ना समझे कि वो चूंकि 3 लाख का है तो उसको उठा के सर पर रख लें। सर पर वही 10 रुपए के कपड़े वाली टोपी जो है वो सर पर रखनी होगी। चाहे इसलिए तो पैसे का वही मकाम है, पैसे ये नहीं कि पैसे का कोई मकाम नहीं है, मगर जो मकाम है पैसे को उसी जगह पर रखने की जरूरत है। ये मेरा बेटा एक पहला टेक होम मैसेज है जो मैं आपको करना चाहता हूं, आपके जहन में ला, आपके आप जब ये बात करके खत्म करूंगा, आप अपने दिल में ये जरूर सोचेंगे कि कहने को तो बातें बड़ी खूबसूरत लगती हैं, पर मुआशरे में तो ऐसा नहीं होता। किसी दफ्तर में कोई आदमी बड़ी गाड़ी से निकल के जाता है तो उसका और है, फटे कपड़ों वालों की क्या कदर होगी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। लेकिन बेटा इस मौके पर आपने उन लोगों को अपना रोल मॉडल नहीं बनाना, आपने अपने रोल मॉडल खुद क्रिएट करने हैं और आपने अपना रोल मॉडल अपने आप को खुद बनाना है। एक तो पहला ये मेरा मैसेज है। दूसरी बहुत बड़ी गलती जो मेरी नस्ल और मेरे से मुतसिल नस्ल के साथ हुई है और जिसकी वजह से पाकिस्तान के बारे में हम कहते हैं कि पाकिस्तान बुरहानों का शिकार है, हर वक्त यही बात है पाकिस्तान बुरहान का शिकार है। दूसरी बुनियादी गलती ये हुई है कि हमने फर्द को फर्द के लिए तैयार किया। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में ब्रिलियंट लोग मौजूद नहीं है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग मौजूद नहीं है, मगर फर्द सिर्फ फर्द के लिए तैयार हुआ है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो मां बाप कहते हैं मेरा बेटा मेरा राज दुलारा ये ओ लेवल करेगा, ये ए लेवल में 7 स्टार लेगा, ये किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में दाखिल होगा, ये यूएसएमएलई करेगा, फिर अमेरिका में जॉन हॉपकिंस में काम करेगा, और फिर हम कुछ अच्छे बात करेंगे, अल्लाह का बड़ा शुक्र है हम 2 मरले के मकान में रहते थे, हमारा एक साइकिल होता था, अब अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं, अल्लाह का शुक्र है हमारी 6 गाड़ियां हैं, अल्लाह का शुक्र है मरी में भी एक घर है, अल्लाह का कितना कर्म हो गया, अल्लाह का बहुत कर्म हो गया। हम कर्म को अपने जाति ग्रोथ के से जज कर रहे हैं, पर्सनल वर्टिकल ग्रोथ को हम तरक्की समझ रहे हैं, इन तमाम बातों में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसके नतीजे में यह हुआ कि फर्द फर्द के लिए तैयार हुआ, फर्द मुआशरे के लिए तैयार नहीं हुआ। आई मी और माइन के चक्कर में रहा, वी आवर और अस के चक्कर में नहीं पड़ा, जिसकी वजह से हर वो चीज जो प्राइवेट सेक्टर में थी वो ऊपर जानी शुरू हो गई, हर वो चीज जिसके साथ सरकार का नाम हुआ वो नीचे जानी शुरू हो गई। एक मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे उस दिन वो खबर अखबार याद है जिसमें पाकिस्तान के ट्राइडेंट जहाज ने सिंगल फ्लाइट न्यूयॉर्क से कराची में की थी। मुझे वो वक्त याद है जब एमिरेट्स की बुनियाद PIA ने रखी थी। मैंने उस रेलवे में सफर किया है जिसको रॉयल रेलवे कहा जाता था, जिसके अंदर खाना मिला करता था। मैंने मेरी वालदा का ऑपरेशन हुआ, मेरी छोटी बहन पैदा हुई लाहौर में लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल में, इतनी बड़ी ट्रे आती थी जिसके अंदर हम भी खाना वहां खा, जो अटेंडेंट थे वो भी खाना खा लिया करते थे, और हमारी आंखों में हमने देखा कि हम जिस चीज के साथ सरकार का नाम लगा वो नीचे जानी शुरू हो गई, और जो प्राइवेट है वो ऊपर चले। जिस जो बंदा एक हॉकर था, आओ जी लाहौर 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 करने वाला, उस बंदे की न्यू खान बस सर्विस है, जिसकी एक रक्षा था जिसका, उसकी ट्रांसपोर्ट सर्विस है, और जो कि पूरी दुनिया के अंदर एयरलाइन करती थी वो बिल्कुल ठप हो गई है। इसका कौन जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदार ऊपर से लेकर हम सब हैं, और हम सब ने इसमें हिस्सा डाला हुआ है, और हमने इसको पासिंग द बग कहा हुआ है। मैं क्या करूं जी, मैं कोई इदारे का हेड हूं? मैं अदारे का हेड हूं तो मेरे अंडर थोड़ी है, ये तो सेक्रेटरी के अंडर है। अच्छा सेक्रेटरी है, मेरे अंडर थोड़ी है तो चीफ सेक्रेटरी के अंडर है, तो चीफ सेक्रेटरी तो नहीं हूं, चीफ से मैं क्या करूं? वजीर आला ऐसे करता है। अच्छा वजीर आला मैं क्या करूं? मैं कोई मुल्क का वजीर आजम हूं? वजीर आजम भी पता नहीं ये कहता होगा, पता नहीं अमरीका ही नहीं चाहता कि कुछ भी ना हो, तो अल्लाह की मर्जी नहीं है। तो वी आर जस्ट पासिंग द बग्स, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं जिस जगह पर हूं, मेरे जोन ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर मैंने क्या किया है पाकिस्तान के। तो दूसरी बुनियादी गलती हमने ये, हमें से जो ब्रिलियंट लोग भी हैं उन्होंने सिर्फ अपने टावर को ऊपर किया। तो जो मेरी वजह से मुआशरे के अंदर रिफ्लेक्ट होना चाहिए वो मुआशरे में नजर नहीं आया। मेरे बहुत ही प्यारे बच्चों, मैं एक दफा फिर 100 दफा कहोगे तो 100 दफा मैं आपसे माफी मांगता हूं इस बात पर, यह जुर्म हुआ है हमारे से, इस जुर्म की वजह से पाकिस्तान ऐसा हुआ है।
और इसके हम कसूरवार हैं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वो ना करना। हम तो चिरागे अव्वल शब हैं, शाम ढले बुझ जाएंगे, लेकिन तुम सब आखिरे शब तक दीप से दीप जलाए रखना। वो ना करना जो हमने किया है, वो ना करना जो हमने किया है, क्योंकि हमने बहुत गलत किया। मैं एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, हमारे यहां इंडिविजुअल इस शहीद जैसे लोग मौजूद हैं, हमारे यहां अदीबुल हसन रिजवी जैसे लोग मौजूद हैं, हमारे यहां अब्दुल सत्तार ईदी जैसे, अमजद साकिब साहब जैसे बड़े लोग मौजूद हैं, बहुत बड़े लोग मौजूद हैं। मैं अगर ऐसा ना होता तो मुआशरा कैसे रहता। मैं खुदा ना खास तक उन बड़े लोगों से क्रेडिट नहीं लेना चाहता, और उन सबको बहुत शुक्रगुजार हैं हम, लेकिन बहैसियत मुआशरा, बहैसियत मजमुई, हम उसी एक रॉ में हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते। मेरा बेटा, आप लोगों से हमें बहुत उम्मीद है, आप इस सारे के सारे पोटेंशियल पेरेंट्स हैं। इंशाल्लाह अल्लाह आपकी गोद में आने वाली नस्लों को देगा। डे वन से ही आपने ये बात सोचनी है, अभी से इस बात को पल्ले से बांध लेना है कि मैंने अपने आप को सिर्फ अपने लिए तैयार नहीं करना, मैंने अपने आप को पूरे मुआशरे के लिए तैयार करना, नंबर एक। और नंबर दो, मैंने पैसे को कभी कदर प्राइमरी वैल्यू के तौर पर अपनी जिंदगी में नहीं लेके आना, प्राइमरी, मैंने इसको सेकेंडरी सपोर्ट के तौर पर लेके आना है। आपने छुरी से सेब काटना है, अगर आपने सेब ना काटना हो तो आपको छुरी की कोई जरूरत नहीं है। तो छुरी जो है वो मीन है, वो पर्पज नहीं है। आपने कश्ती के जरिए दरिया पार करना है, अगर आपने दरिया पार ना करना हो तो कश्ती की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरीके से पैसे के जरिए से आपने कुछ करना है, अगर वो कुछ आपके जहन में नहीं है तो पैसे की कोई जरूरत नहीं है। बुनियादी तौर पर हमारे यहां ग्रोथ और तरक्की का कॉन्सेप्ट यह है कि मैंने पैसे कमाने हैं, ताकि मैं उसके जरिए से पैसे कमा के फिर मैं उसके जरिए से और पैसे कमा के फिर मैं उसके जरिए से पैसे कमाऊं ताकि फिर मैं ज्यादा पैसे कमाऊं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मैंने एक छुरी लेनी है, फिर मैंने एक और छुरी लेके एक और छुरी लेनी है, और उस छुरी को मैंने टॉयलेट में भी साथ लेके, छुरी बहुत जरूरी चीज है, टॉयलेट में भी साथ लेके जाना है, नमाज पढ़ते भी रोटी खाते हुए भी मैंने छुरी को अपने साथ रखना है। जब उसे सेब ही नहीं काटना तो छुरी किसके लिए रखनी है। आपने पैसे से करना क्या है, पैसे से जो हायर पर्पज अचीव करना है, पैसे के जरिए जो मुआशरे के अंदर चेंज लेके आनी है, वो कहां है। तो इसलिए मेरे प्यारे बेटों और बेटियों, ये मैं आपसे अर्ज करता हूं कि इन दो बातों को अपने जहन में रखिएगा। मैंने मैडम से पूछा था कि मुझे कितनी देर बात करने की इजाजत है, तो उन्होंने कहा कि बस आप मगरिब से थोड़ी देर पहले खत्म कर दीजिएगा, मगरिब तक आप बात करते रहिएगा। लेकिन मैं आपके सबर को इतना नहीं आजमाऊंगा। मैं सिर्फ यही आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि ये दो बातें बेटा सोच के, और जो बच्चे हैं अपने कमरे में, अपने हॉस्टल के कमरे में, अपने कहीं बेडरूम में, ये दो बातें कागज पे लिख के लगा लेना, जब तक कि आपके दिल पे ना लिखी जाए कि मैंने अपने आप को पूरे माशरे के लिए तैयार करना है, सिर्फ अपने लिए तैयार नहीं करना। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जब अपने आप को माशरे के लिए तैयार करेंगे, अपने आप के लिए तो आप खुद ही तैयार हो जाएंगे, आपको तो माशरा हाथों पे पलकों पे बिठा के रखेगा। और दूसरा बात ये जहन में रख लेना, बड़ा बड़ा लिख के लगा देना कि पैसे को प्राइमरी वैल्यू के तौर पर मैंने अपनी जिंदगी में लेके नहीं आना। आखिर में मैं आपको, मुख्तार मसूद ने अपनी बड़ी फेमस किताब है, आपकी लाइब्रेरी में होगी, और अगर वो आप पढ़िएगा, उसका नाम है आवाज़े दोस्त। उस किताब में इंसानों की क्लास, बस मैं ये आखिरी बात करके आपसे इजाजत लूंगा, इंसानों की चार क्लासिफिकेशंस बयान की हैं, और हम सब ने अपने दिल में झांक के देखना है कि मैं उसमें कहां फिट होता हूं। उन्होंने इंसानों का पहला दर्जा बताया है, उन्हें कहा है कि ये हैं अहले शहादत। अहले शहादत की मिसाल उन्होंने ये दी है, आप थक तो नहीं गए बेटा, बोर तो नहीं हो रहा, थैंक यू। मैं इसका मतलब यस समझूं या नो? ओके, बस मैं इंशाल्लाह 5 मिनट में खत्म करता हूं। उन्होंने, अगर गौर से सुनिएगा, हॉलैंड के अंदर जहां मौसम बहुत ठंडा होता है, उनकी किताब में ये लिखा हुआ है, एक बच्चा अपने स्कूल से आ रहा था तो उसने देखा कि जो सड़क, जो उसके गांव के करीब नहर जा रही है जिसमें यख पानी वहां के मौसम के हिसाब से, उसमें एक शुगाफ हो गया, और जब तक वो घर गांव में जाके इतला देगा उसमें से इतना पानी निकल सकता है कि पूरा गांव डूब जाएगा। तो उस बच्चे को बहुत परेशानी हुई कि मैं क्या करूं, उसके छोटे के जहन में कोई सोल्यूशन नहीं आया।
उसने इधर इधर उधर देखा, उसको कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसके छोटे से जहन में एक सोल्यूशन आ गया जिसकी वजह से सुबह तक वो गांव बच गया। लेकिन अगले दिन जब किसान गए तो उन्होंने देखा कि एक बच्चे की लाश उस शगाफ के अंदर अकड़ी हुई पड़ी। उस बच्चे के जहन के अंदर यह सोल्यूशन आया कि उसने अपने आप को शगाफ में फंसा दिया। इस तरह के लोगों का नाम अहले शहादत है। ये वो लोग हैं जो बदर में शहीद हुए, ये वो लोग हैं जो हमारे बॉर्डर्स पे शहीद हो रहे हैं, ये हमारे पुलिस के जवान हैं जो कि अनसंग सोल्जर्स हैं। पिछले दिनों पुलिस का दिन था तो मुझे भी मौका मिला उसमें। ये हमारे पुलिस के वो सिपाही हैं जो कि हमें, हम सुकून से सोएं इसके लिए रातों को जागते हैं। ये हमारे और लोग हैं जो कि वतन की राह में शहीद होते हैं। हमें अपने दिल में झांकना चाहिए कि मैं, ये कैटेगरी वन के लोग हैं, ये हम इस खाते में कहीं आते हैं कि नहीं आते। उन्होंने बताया कि दूसरी कैटेगरी के वो लोग हैं जिनको अहले एहसान कहते हैं। ये मरते तो नहीं है लेकिन अपनी जिंदगियां दे देते हैं, जैसे अब्दुल सत्तार ईदी, जिस शख्स की एयर एम्बुलेंसेस हो, पाकिस्तान का सबसे बड़ा एम्बुलेंसेस का फ्लीट हो, वो दो कमरे के घर में रहता हो। मैं अब्दुल सत्तार ईदी साहब से तीन दफा मिला हूं, तीनों दफा उनकी टोपी के ऊपर मैल लगी होती थी और उन्होंने चपली पहनी होती थी। एक दफा दुबई अबूधाबी के एयरपोर्ट पर मिला, एक दफा मुल्तान में वो चौक में यूं खड़े पैसे मांग रहे थे, और एक दफा एक और तकरीब में मैं उनसे मिला, और तीनों दफा मैंने यही मंजर देखा कि यहां मैल लगी हुई थी। ये वो लोग हैं जो अहले एहसान हैं, जो अपनी जिंदगी को प्रायोरिटी नहीं देते, छोटे छोटे कमरों में एक आम सी जिंदगी गुजार कर मगर मुआशरे में एक हुसन खूबसूरती और केयर पैदा कर देते हैं। तो हम अपने भी जायजा ले लें कि क्या मैं अहले शहादत में से हूं या मैं अहले एहसान में से हूं। उन्होंने जो तीसरी कैटेगरी बताई है वो है अहले जमाल। ये वो लोग हैं जो अपनी जिंदगी तो नहीं देते लेकिन अपने फन से, अपने हुनर से इस दुनिया को खूबसूरत कर जाते हैं। वो हमारे किसान हैं, वो हमारे मजदूर हैं, वो हमारे फैक्ट्री लगाने वाले हैं, वो हमारे आर्टिस्ट हैं, वो हमारे मुसव्विर हैं, वो हमारे शायर हैं, वो हमारे राइटर्स हैं, ड्रामा क्रिएटर्स हैं, जो कि पेंटर्स हैं, जो कि इस दुनिया के अंदर एक खूबसूरती क्रिएट करके इस दुनिया से जाते हैं। इसके बाद उन्होंने बड़ी सख्त बात की है, इन तीनों कैटेगरीज के अलावा जो चौथी कैटेगरी है वो अल्लाह की किताब में इंसानों के सरों की पकी हुई फसलें हैं जिनको वक्त की दरांती किसी वक्त भी आकर काट सकती है। हमें इस बात से तौबा करनी चाहिए कि हम बहसियत कौम कहीं उस चौथी कैटेगरी में तो शामिल नहीं है कि जिसको वक्त की दरांती किसी वक्त भी आकर काट सकती है पकी हुई फसलों की तरह। और ये सारी की सारी बातें, देखो बेटा, अगर हमसे कुछ हो सका होता तो हमने कर दिया होता। अगर फर्ज करें जो पाकिस्तान के अब हालात हैं, ये उन लोगों की, उन माओं की वजह से हैं जो आज से 30 साल पहले जिन्होंने बच्चों की तरबियत की, यानी हम लोग। इसलिए अब आपसे तवक्को है इंशाल्लाह कि आप उन बातों को, दुख भरी बातों को नहीं दोहराएंगे जो हमारे माशरे में हुई है। तो इंशाल्लाह अजीज हमारे मुल्क का मुस्तकबिल बहुत रक्षा है। मेरी कुछ बातों से आपको शायद थोड़ी मायूसी की वो आई हो, लेकिन मैं आपको हौसला देने के लिए बता रहा हूं कि जिस मुल्क में हम रहते हैं ये दुनिया के खूबसूरत तरीन खितों में से एक है। दुनिया में शायद कोई ऐसा मुल्क हो जिसमें एक वक्त में चारों मौसम मौजूद हों, जहां पहाड़ों पर बर्फ की चादर हो और सहरा में लू चल रही हो, जहां समंदर हो बहुत खूबसूरत और लहराते खेत हों। दुनिया में ऐसे मुल्क बिल्कुल नहीं है। इस जैसी मादनियात कहीं नहीं है, इस जैसा कॉटन का रेशा कहीं नहीं है, इस जैसे अमरूद, इस जैसा किन्नू, इस जैसी गंदुम, इस जैसी कपास कहीं पैदा नहीं होती, इस जैसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कहीं नहीं बनते, इस जैसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री दुनिया के अंदर कहीं नहीं है, इस जैसी सैरगाहें कहीं नहीं है। इसका नॉर्दर्न एरिया जो है वो देखने के काबिल है, इसका सहरा जो है वो बहुत खूबसूरत है। सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि मैं और आप उसके साथ मैच करने लग जाए, और इंशाल्लाह जब मैं और आप मैच करेंगे तो इस दुनिया को, दुनिया का कोई मुल्क पाकिस्तान को हरा नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बातों को मोहब्बत से सुना।